हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस जैसे कि आपको पता ही है बर्थडे आया है, मतलब बर्थडे है पुनीत का। टेन जो सबसे ज्यादा चमक रहा है आपको पता चल ही गया होगा। जो वैसे भी सबसे ज्यादा चमकता है कोई दिक्कत नहीं है, जो वैसे भी सबसे ज्यादा चमकता है कोई दिक्कत नहीं है। राजा जी, भैया बर्थडे है तो थोड़ी पैम्परिंग तो बनती है, ठीक है ना। तो गाइस आज जैसे कि आपने टाइटल से देख ही लिया होगा, हम करने वाले हैं सेइंग यस टू मम्मा। मम्मा प्लीज, पापा देखिए, हम ये चैलेंज एक शर्त पे करेंगे। सर शर्त शर्त नहीं होती, हम भी कर रहे हैं। एक सेकंड, सुन तो लो। हाँ बताओ। हम एक क्षण पे चैलेंज करेंगे कि मम्मा हमें पढ़ाई के लिए कुछ नहीं बोलेगी, हम यस तो करेंगे लेकिन पढ़ाई आज। अच्छा मतलब तुम्हारा मतलब है कि तुम हर चीज पे यस करोगे मम्मा की, लेकिन हमारे भी हम भी ये चैलेंज करेंगे तो फिर मम्मा पढ़ाने बुलाएगी, हम बोलेंगे ये नहीं पढ़ना हमें, आप जाओ हमारा बीए चल रहा है। बातें देखो भाई साहब, पढ़ाई के लिए ये तीनों लड़ने के लिए उतारू है। इनका कहने का मतलब ये है कि आप, अच्छा इसका मतलब ये समझे, आप हर चीज पे यस करोगे लेकिन अगर मम्मा आपको पढ़ाई के लिए बोलेगी आज के दिन तो आप पढ़ाई के लिए यस नहीं बोलोगे। भैया यहाँ पर गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले खड़े हैं। देखो भैया बर्थडे है, मैं बोल रही हूँ कुछ काम मेरे कहने पे भी कर लो। नहीं, बर्थडे है तो सिर्फ फन होगा, आपको जो मांगना है आप फन की चीजें बोल सकते हो, आप पढ़ाई की नहीं बोल सकते। बोलो मंजूर है तो चैलेंज शुरू करें। क्या करें, छोड़ दे छोड़ना पड़ेगा, जाओ छोड़ा। आज मैं जो बोलूंगी सिर्फ वही होगा। ऑब्वियसली जब हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया हम वो करेंगे। तो पुनीत क्या बोलते हो, सबसे पहले आज आपको हमसे क्या करवाना है? आओ शॉपिंग पे चले, चलो आओ कैमरा पीछे शॉपिंग भी लंच के बाद ले जाना है यार। आज सिर्फ पेट हम शॉपिंग से भरेंगे। शॉपिंग भैया पहले बच्चों को कुछ खा लो, लंच के बाद ले जाना भैया। शॉपिंग मैं कल आ चुका हूँ शॉपिंग से। खड़े रहो बैठ रहे हो, गजब बेइज्जती है। आज यहाँ पे बैठेगा नहीं, करना क्या है, आधे इधर जाओ और पहले पूरा घर साफ करो। मुझे कोई कपड़ा कोई चीज उधर नहीं मिलेगी। क्या भाई क्या ये, हम पूरे घर की सफाइयां करें। अब मुझे नहीं करना, करना पड़ेगा। ये लेट गया भाई, करो झाड़ू पोछा नहीं मंगा रही। उठो भैया चलो, सामान संभालो। कोई बात नहीं गाइस, चैलेंज है, हर रोज ये करती है तो आज हम करेंगे। तो तुम दोनों वो बैग वाला कमरा करो, हम दोनों ये वाला कमरा करते हैं, ठीक है। और तुम यहाँ आराम करो। क्यों नहीं तो समझ में नहीं आ रहा, चैलेंज तो हम कर रहे हैं लेकिन ये हमसे लेबर कराई जा रही है। ये भी संभाल देते हैं, ऐसे ही रख देते हैं इसको तो। ठीक है सर। क्या ही फोल्ड करें, यही कर दे, यही साइड पे कर दे। पिछले आधे घंटे से हम यही कर रहे हैं गाइस, कभी यहाँ थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे। बेटा पैर दबा। ये हमारे साथ बहुत नाजायज हो रहा है। अब आधे घंटे में हमारी पेशेंस खत्म हो गया तो हम अब गुदगुदी पे आ गए।
अब बोल जल्दी, अब ये बंद करा रही है, कुछ और करवाएगी। बंद। मेरा ना खेलने का मन कर रहा है, ऐसा करते सामने गार्डन में चलते हैं। एक पहली बार की बात हो रही, चलो भागो। आओ गार्डन में चलते हैं, फिर मैं बताऊंगी करना क्या है। चलो 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 लेट्स गो। चलो भाई गार्डन चलो, कह रही है तो गार्डन चलो। तो बोलो भैया क्या करना है, मैं गार्डन में तो ले आए हो। आज मैं तुम्हारे को एंटरटेन करने गार्डन में लाई हूँ यार, मेरे को हमेशा गलत मत समझो, तो एंटरटेन करने आई हूँ हैं? मैंने कहा भाई इतनी मेहनत कराई, थोड़ा खेलें। ऐसा करते हैं मैं भागूंगी, आप मुझे पकड़ो। आगे पीछे तो भी हमारे साथ खेली नहीं है गार्डन में ये। देखा मैं कितनी अच्छी हूँ, मतलब बर्थडे पे कुछ भी कुछ भी। मगर एक छोटा सा ट्विस्ट है, छोटा सा सिर्फ आपने ऐसे लंगड़ी टांग की। कर सकते मतलब ये लोग ये नए नए भाई साहब शौक पता नहीं कहाँ से आ गए हैं इसको। चलो भैया मेरे को जरा भागने दो, स्टैचू है ना। रिलीज 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 रिलीज, भागो लंगड़ी टांग। वहां पर ध्यान से स्टैचू। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाए। अरे बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। रिलीज स्टैचू 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 स्टैचू। चलो मैंने सोचा थक गए हैं, गेम चेंज करते हैं। अब क्या करना है, चेन बनाओ आपस में। हाथ पकड़ो। अरे हाथ पकड़ लो, जैसे मर्जी कर लो। हाथ पकड़े? हाँ मैं कोने में हूँ, ठीक है। अभी अभी चारों इकट्ठे रहेंगे, एंड आई विल रन। सिंपल सी बात है। अगर आप उस कोने के अंदर चल जाओगे तो फिर हम कैसे आएंगे उधर? That's your problem, not my problem. पहले 10 कदम पीछे हो, चलो। मैं क्यों हिलूं अपनी जगह से? तुम लोग हिलो। 20 हो जा। अगर इस 2-3 start. मैं तुमसे ना हो पाया। स्टैचू इतनी आसानी से अगर मैं हाथ आ गई, अगर इतनी आसानी से मैं हाथ आ जाऊं तो बेटा बात ही क्या है। स्टैचू है अभी तू स्टैचू। भाई साहब ये हमारे साथ नजायज हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, हमें भगाया जा रहा है कठपुतली की तरह, हमसे इतना नहीं हो पाएगा। पूरा साल जो मैं भागती हूँ, एक दिन मेरे नक्शे कदम पे चल लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? सही बात, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कमेंट नहीं डाउन, आप कमेंट करके बताओ जो ये कर रही है ये सही कर रही है हमारे साथ। नो चलो यार इनको, हम थक गए, हम जा रहे हैं ऊपर, हमारे बस का नहीं है। नहीं नहीं ऊपर नहीं जाएंगे अभी, ले जो थोड़ी देर आराम करने दो, मेरे पीछे पीछे आएंगे सारे। ये सारे मेरे पीछे पीछे, ऐसे करो सारे, ऐसे करो सारे सारे ऐसे करो, ऐसे चलो, हम आगे चलो। मैं Later that same evening. Guys, हम आ गए हैं मार्केट। अहाँ मैं इन सबको ले आई हूँ मार्केट, तो क्या शॉपिंग करें? Guys, बड़ा यार प्रॉब्लम हो गई है सुबह से हम लोग, प्रॉब्लम यही है यार, हम थक गए हैं भाई तेरे इन सब चीजों से। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, अभी पहले मेरी शॉपिंग होगी और फिर हम घर जाएंगे और फिर मेरी बात मानी जाएगी और फिर मेरा बात ही मान रहे हैं। गाइज अब हम आ चुके हैं दिल्ली में करॉट प्लेस, क्योंकि मैडम को करनी है शॉपिंग, बर्थडे आ रहा है तो खैर चलो शॉपिंग बनती भी है, बट यार मतलब इतना सुबह से भाई साहब खांसी खांसो। यार एक तो वेदर इतना खराब हो गया है ना, वेदर खराब है, खांसी पे खांसी चल रही है, बट चलो एनीवेज। मगर अब मेरे आपने मेरा चैलेंज है, मैं बात करूंगी, ठीक है तो भाई, तुम कर लो। सारे के सारे मेरे पीछे आएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी मैं इनको कहां लेकर जा रही हूं। इधर इधर मेरे पीछे भाई, मेरे पीछे आ, और एक बारी मुड़ के दिखा दो हम कहाँ जा रहे हैं। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पेन शॉट द बेस्ट प्लेस एवर। बेस्ट प्लेस तो है लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, बर्थडे जाने जिसके हैमलेस में तेरा क्या मिलेगा यहाँ पे?
गाइस ये है मेरी तरफ से इन सबको सरप्राइज। बर्थडे मेरा है मगर ये वाला गिफ्ट मैं बच्चों को दे रही हूँ, तो अब हम जा रहे हैं हैमलीज। जाओ जी लो अपनी जिंदगी भागे। ऑलवेज मैं एक्सेसरीज के सेक्शन में आई हूँ। तो गाइज इनको मैं छोड़ के आई हूँ हैमलीज के अंदर, बहुत टाइम लगा रहे हैं। आई सेड जब तक तुम शॉपिंग कर रहे हो मैं ज़रा अपनी शॉपिंग पे एक चक्कर मार कर आती हूँ। हाँ तो अभी बस श्री गणेश कर रही हूँ मैं। अच्छा उनसे I love the colors, yeah. Closed. हो गई ना शॉप क्लोज, कर दिया ना मुझे लेट, मगर मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं भाग कर जाऊंगी शॉप्स पे। दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। ठीक है ये भी ठीक है। तो भैया अब आपका चैलेंज खत्म हो गया, हमारी जान छूट सकती है। आप बताओ आप लोगों ने, हम भी अनबॉक्सिंग में दिखाएंगे, हमने क्या। चलो ये भी ठीक है। तो आप देख रहे हो मैं कितनी फेयर हूँ कि मैंने अपने थैले नहीं पकड़े हैं, इनका सामान इनके हाथ में दिया है पहले। ये ठीक है, बच्चों को पहले मिलना चाहिए। सिर्फ जो इस पूरे पूरे दिन में जो अन्याय हुआ है वो सिर्फ मेरे साथ हुआ है, तो मुझे कुछ नहीं मिला है गाइस। ये तो आपको इन थैलों को देखने की मर्जी की चीज ली आपने, वो भी सीखा है, मेरे को भी सिखाया है। हाँ, मेरी मर्जी की चीज ली है। कि ये थैले खुलने के बाद पता चलेगा कि रमनीक के साथ अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है। चलो वो तो अनबॉक्सिंग में पता चलेगा। तो अब आपकी शांति मिल गई, चैलेंज खत्म करें। मिल गई। शुक्र है भगवान का। तुम भी खुश हो भाई? खुश हो? हाँ जी हाँ जी, हम तो बहुत खुश हैं, हम तो बहुत खुश। सब बहुत खुश हैं, सबकी तसल्लियां हो गई हैं। मेरा चैलेंज है तो सब खुश ही रहेंगे यार। तो गाइस यार थैंक यू सो मच, कमेंट करके बताना और कौन कौन से चैलेंज करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। रमनीक ऑपरेशन के बाद घर आ गए, वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS तरीन तरीन व्लॉग्स पे। गाइस गुड न्यूज, पापा घर आ गए। वीडियो देखने के लिए क्लिक 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 क्लिक, रमनीक को जल्दी ठीक करने के लिए क्लिक 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 क्लिक।